कॉपीराइटिंग स्किल्स इंपॉर्टेंट इन डिजिटल मार्केटिंग? क्या डिजिटल मार्केटिंग के लिए कॉपीराइटिंग स्किल चाहिए? मेरा मानना तो ये है कि कॉपीराइटिंग के बिना डिजिटल मार्केटिंग हो ही नहीं सकता। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी सर्विस का, समझो आप डिजिटल मार्केटिंग क्यों करते हो, मार्केटिंग क्यों करते हो, किसी भी प्रोडक्ट को या तो सर्विस को बेचने के लिए। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कॉपीराइटिंग की क्या रिक्वायरमेंट है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। तो बात मैं कर रहा हूँ कॉपीराइटिंग। तो सबसे पहले समझो कि कॉपीराइटिंग क्या है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ब्लॉग लिखते हैं तो बोलते हैं हम कॉपीराइटिंग करते हैं। कंटेंट राइटिंग और कॉपीराइटिंग दोनों अलग चीज़ें हैं। जैसे कि कंटेंट राइटिंग और कॉपीराइटिंग में क्या डिफरेंस है? कंटेंट राइटिंग सिर्फ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए कुछ कंटेंट लिख रहे हो और उसको पब्लिश कर रहे हो कहीं पे भी, ब्लॉग्स के थ्रू, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर, कहीं भी सोशल मीडिया के ऊपर, या तो कहीं भी आप कंटेंट लिख के पब्लिश कर रहे हो, उसको कंटेंट राइटिंग बोलते हैं। बट जो चीज़ कॉपीराइटिंग के अंदर आती है वो क्या है? किसी भी प्रोडक्ट या तो सर्विस को सेल्स करने के लिए जो चीज़ लिख रहे हो आप, कुछ ऑफर बना रहे हो, कुछ कैची टाइटल, थंबनेल, कुछ भी बना रहे हो, उसको कॉपीराइटिंग बोलते हैं। कॉपीराइटिंग क्या काम में आता है कि आपने किसी भी कंपनी का आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हो तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आप फेसबुक पर एड चलाओ, गूगल पर चलाओ, कहीं भी चलाओ, सर्च एड चलाओ, बट वहाँ पे आप कुछ पोस्टर बनाते हो या तो कुछ टाइटल लिखते हो, थंबनेल बनाते हो, यूट्यूब के लिए आप इंस्टाग्राम के लिए पोस्टर बनाते हो, वहाँ पे क्या लिखते हो कि हम लोग ये सर्विस बेचते, ऐसा लिखते हो? नहीं, वहाँ पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है उसके साथ कनेक्ट करवाते हो कि अगर आपको ये नहीं आता है तो हम आपको ये सिखा सकते हैं, इतने रुपये का कोर्स है, इतने रुपये की प्रोडक्ट्स है, उसको बोलते हैं कॉपी राइटिंग। बहुत सारे यूट्यूबरों को कॉपी राइटिंग आता है, क्यों? उसकी थंबनेल आपने देखी होगी और कई बार आप वीडियो पे क्लिक करते हो, कई प्रोडक्ट्स की एड्स आप देखते हो फेसबुक के ऊपर और क्लिक कर देते हो। क्यों करते हो, आपने देखा कभी? क्योंकि वहाँ पे पोस्टर के ऊपर ऐसा कैची लाइन लिखा होता है, तो ऐसा कुछ कंटेंट ऐसा लिखा होता है कि आपको वहाँ पे कनेक्ट करवा देता है अपनी प्रॉब्लम के साथ, अपनी कुछ वीकनेस के साथ। तो वहाँ पे बोलते हैं कॉपीराइटिंग का फायदा। कॉपीराइटिंग इसलिए डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जरूरी है। अगर आपके पास कोई भी मार्केटिंग करवा रहा है बट उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आपको 2-3 महीने के बाद वो काम नहीं देगा। तो कॉपीराइटिंग की रिक्वायरमेंट डिजिटल मार्केटिंग के अंदर 100% है। आप चाहे यूट्यूब करो, फेसबुक करो, इंस्टाग्राम करो, कहीं पे भी, लास्ट में आपका ऑप्शन क्या रहेगा? आपके पास पैसा आना चाहिए। तो पैसा कैसे आएगा? सेल्स के बिना पैसा आ नहीं सकता। और सेल्स कब करेगी, सेल्स कब होगा आपका, सेल्स कब इंक्रीज होगा, आपके पास पैसे कब आएंगे? जब जाके आप कस्टमर के साथ कनेक्ट करेंगे। कस्टमर के साथ कनेक्ट करने के लिए आप माउथ टू माउथ पब्लिसिटी नहीं करेंगे। वहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या करना होगा, आपको डिजिटल प्रोडक्ट या तो प्रोडक्ट के अंदर वीडियोस, थंबनेल, टाइटल, ऐसा ही सब चीज़ लगा के आप कस्टमर को कनेक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे आपकी प्रोडक्ट लेने के लिए, सर्विस लेने के लिए। तो कॉपीराइटिंग 100% रिक्वायरमेंट है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। कई लोग बोलते हैं कि मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं, मैं SEO कर रहा हूँ। SEO कर रहे तो उसका रिक्वायरमेंट क्या है? SEO में क्या होता है, आपकी वेबसाइट के ऊपर लोगों को लाना, और लोग आ गए वेबसाइट के ऊपर तो रुकवाना। तो रुकवाने के लिए क्या चाहिए, आपको प्रॉपर कंटेंट चाहिए। कंटेंट राइटिंग से सिंपल सा पैराग्राफ लिख दिया ऐसा नहीं चलेगा। वहाँ पे कैची हेडलाइन, कैची पैराग्राफ, वहाँ पे ऑफर्स दिखानी, वो कई सारी चीज़ें कि लोग वहाँ पे रुके, ज़्यादा से ज़्यादा मिनट आपके वेबसाइट के ऊपर रुके और वहाँ से आपको कॉन्टेक्ट करे और आपकी प्रोडक्ट या तो सर्विस बाय करे। तो लास्ट में ऑप्शन तो कॉपी राइटिंग कंटेंट का ही रहेगा। कंटेंट लिखना मतलब सिंपल वाला कंटेंट नहीं, वहाँ पे कैची हेडलाइन, लोगों के साथ कनेक्ट कर पाओ, ऐसी हेडलाइन चाहिए या तो ऐसे टाइटल चाहिए, ऐसे थंबनेल चाहिए। कुछ भी आपने पोस्टर देखा होगा कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी का या तो कोई भी छोटी कंपनी का, तो उस पोस्टर के अंदर उन्होंने ऐसा नहीं लिखा है कि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बेचते आप ले लो। वहाँ पे ऐसा लिखते एक कोर्स करके आप इतना कमा लोगे, ये चीज़ लेके आप इतना कुछ कर लोगे, ये प्रोडक्ट लेने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। इसको कैची हेडलाइन के अंदर कन्वर्ट करते और ग्राफिक्स में, वीडियोस में, एड्स में वहाँ पे कन्वर्ट करके आपके साथ कनेक्ट करवाते। वहाँ पे पेड एड्स करेंगे तो भी सही है, या तो SEO के साथ आप ऑर्गेनिक चलेंगे तो भी सही है, बट कहीं ना कहीं कॉपीराइटिंग तो चाहिए ही चाहिए। तो चलो मिलते हैं ऐसे ही और सारे वीडियोज में, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू पैसे कैसे कमाएं, ऑनलाइन अर्निंग, ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, यूट्यूब अर्निंग, बहुत सारे वेज है, तरीके है, उसमें जो लोग सही नहीं बताते, इस चैनल के ऊपर आपको हर एक चीज राइट इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेगी। इस चैनल के अंदर कुछ ऐसा नहीं आएगा कि इतने दिनों में इतना कमा लिया, कुछ ऐसा झूठ वाला चैनल नहीं है। आपको अगर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए, सच जानना है, तो मेरी चैनल प्रियेश खातरन को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।